हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आर्मी ऑर्डेंस क्रॉप्स और बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा नेम ऑफ डिपार्टमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो हमारा वैकेंसी बीएसएफ कांस्टेबल जीडी और ट्रेडमैन के पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10,490 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो हमारा नोटिफिकेशन अभी अवेलेबल सुन पे रखा गया है। अप्लाई डेट की बात करें तो हमारा अप्लाई डेट सितंबर 2023 रखा गया है, यानी सितंबर या नवंबर में आवेदन शुरू कर दी जाएगी। अगर हम बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑल सब्जेक्ट आपको अबव मिनिमम 45% होनी चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हमारा मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखा गया है, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 25 साल तक रखा गया है। यानी 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर हम बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें फिजिकल टेस्ट डिटेल्स देना है। उसके बाद हाइट की बात करें तो 166 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर हम चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 70-75 सेंटीमीटर रखा गया है। रनिंग टेस्ट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस दिया जाएगा। अगर हम हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 4 फीट हाई जंप रखा गया है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 8.30 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट 3 चांस दिया जाएगा। अगर हम हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 3 चांस रखा गया। अगर हम आर्मी ऑर्डेंस क्रॉप्स न्यू रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले रिक्रूटर नेम यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन आर्मी ऑर्डेंस क्रॉप्स यानी AOC की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5,800 पदों के लिए भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगर हम सैलरी और पे स्केल की बात करें तो हमारा सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,000 विद ग्रेड पे 2,800 रुपये तक रखा गया है। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रखा गया है, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अभी अपडेट सुन पे रखा गया है। अगर कब तक आ सकती है ये वैकेंसी तो दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम आर्मी ऑर्डेंस क्रॉप्स न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 12वीं पास की है विथ एवरी सब्जेक्ट 30 मार्क्स ऑल ओवर 40% होनी चाहिए तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हमारा एज मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक रखा गया है, यानी 18 साल से लेकर 30 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा किया जाएगा, उसके बाद PET PST, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम आर्मी ऑर्डेंस क्रॉप्स और बीएसएफ नई भर्ती 2023-24 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड नील एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नील यानी
एससी एसटी कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर आप भी बीएसएफ और एओसी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहां जाकर आप नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। और भी कोई इसकी नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।